हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है देहरादून व्लॉगर शीतल बालियान। और आज मैंने सोचा अपना जो व्लॉग है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, और बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और यहाँ पे मैं अपना जो है सुबह सुबह उठकर अपना ब्रश व्रश करके फ्रेश होकर आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जो गैस का चूल्हा है उस पर कपड़ा फेर दूँगी, क्योंकि रात का रहता है ना कि रात को कीड़े उड़ा चल के चला जाता है। तो गैस का जो चूल्हा है, दीवार और जो स्लेब है वो मैं साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद मैं भगोने में 2 गिलास पानी गर्म करूँगी, गुनगुना पानी मैं लूँगी नींबू और शहद के साथ। और साथ के साथ जो है मैं अपना चाय भी बनने के लिए रख दूंगी। जब तक चाय बन जाएगी बनेगी तब तक मैं जो है अपना गुनगुना पानी, जो जिसमें मैं नींबू डालूंगी शहद डालूंगी, तो वो पी लूंगी मैं। मॉर्निंग मोड के मैं 2 गिलास पानी ज़रूर लेती हूँ गुनगुना। और कभी जैसे होता है कि गुनगुना पीने का मन नहीं होता है तो मैं नॉर्मल वाटर ही आर ओ से डायरेक्ट लेके ही पी लेती हूँ। बस सुबह उठ के गर्म पानी अपना जो है लेना चाहिए, उससे हमारा जो हमारे हेल्थ होती है ठीक रहती है। और बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरा ब्लॉग और मेरा काम आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका प्यार सपोर्ट बना रहे, बस मुझे और क्या चाहिए। और बस अपना सपोर्ट देते रहिए। और बस यहाँ पे जो है पानी हो गया है, और दूसरी तरफ मैं चाय बनने के लिए रख दूंगी। चीनी चाय पत्ती मैंने डाल दी है, साथ ही साथ मैं अदरक भी डाल दूंगी। इलायची मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि जो चाय पत्ती मैं यूज़ करती हूँ उसमें ऑलरेडी पहले से ही इलायची है। और यहाँ पे जो है चाय बन गई है, तो मैं मेरे हस्बैंड को चाय और नमकीन देकर आऊँगी, वो थोड़ी सी पी लेंगे। और उसके बाद जो है मैं अपना नाश्ता बनाना शुरू करूँगी। और यहाँ पे मैंने चने जो हैं भिगो के रखे थे रात को, तो इसकी मैं घुघरी बनाऊँगी, चने की घुघरी। कोई घुघनी कहता है, कोई बाखले कहता है, लेकिन मैं चने की घुघरी बनाऊँगी। और बहुत अच्छे भी लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, और ये हेल्दी भी बहुत होते हैं, प्रोटीन होता है इसमें। तो हमें नाश्ते में काले चने ज़रूर लेने चाहिए। और अब मैं जो है तड़का दूंगी, और तड़के के लिए मैंने जो है लहसुन छील के रख लिए हैं, और सूखी लाल मिर्च होती है वो मैंने काट के रख ली है। और कढ़ाई में मैं तेल डालूंगी, तेल लूंगी मैं सरसों का, और सरसों में जो होता है ना स्वाद अच्छा आता है, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं, और लेकिन हेल्दी होता है सरसों का तेल जो होता है वो हेल्दी होता है। और यहाँ पर जो है तेल गर्म हो चुका है, और मैंने इसमें तड़के में डाल दिया है सूखी लाल मिर्च डाल दी है, और लहसुन डाल दूंगी। और उसके बाद जो है मैं चने डाल दूंगी, और साथ के साथ जितना मुझे नमक चाहिए स्वाद के अनुसार उतना मैं चने डाल लूँगी, और फिर उसे भाप में पका लूँगी 2-3 भाप में। और बाद में फिर मैं उसे ना खुला पकाती हूँ, जिससे वो थोड़े ना कुरकुरे हो जाए और स्वाद अच्छे आ जाए। लेकिन सुबह सुबह नाश्ते के साथ आप पराठे के साथ, रोटी के साथ या पूड़ी के साथ खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं चने, तो आप भी खाया कीजिए नाश्ते में। और साथ के साथ आज मैं बनाऊंगी हलवा सूजी का। तो जो है मैंने सूजी कढ़ाई में गरम कर लिए, अब मैं घी डाल दूंगी, देसी घी है ये,
तो 2 चम्मच मैंने भर के पूरा घी डाला है और बस सूजी को भून के हलवा बना दूँगी। हलवा बनाना सबको आता ही होगा, इसलिए मैंने फुल रेसिपी शेयर नहीं करी है। और साथ में बनाऊँगी मैं रोटी बनाऊँगी, पराठे नहीं बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे जो है मैंने नाश्ता बना दिया था और सबने खा लिया है, और मैं जो है अपना जो काम करूँगी स्टार्ट कर दूँगी मॉर्निंग का। और हस्बैंड मेरे अपने काम पे चले गए हैं, बच्चे अपना गुड्डू क्लास दे रही है और बच्चे खेलने चले गए हैं दोनों बेटे नीचे। तो अब मैं जो है निफ्राम अपना काम करूँगी, और ना ज़्यादा भीड़ रहती है ना घर में तो काम हो नहीं पाता है, मुझे खाली खाली सा चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, तब जाके फटाफट मेरा काम निपट जाता है। तो मैं बिस्तर लगा लूँगी, चादर झाड़ लूँगी और जो झाड़ पोछ है अपनी डस्टिंग क्लीनिंग वो कर लूँगी फटाफट, क्योंकि टाइम भी जा रहा है। और जब वीडियो बनाना होता है ना तो थोड़ा सा जो काम होता है हमारा घर का लेट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है कि मतलब कैमरा सही है कि नहीं है, सब कुछ मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है काम हमारा, और सब कुछ देखना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसमें जो है काम हमारा थोड़ा सा डिले हो जाता है, टाइम लग जाता है। तो बस मैं अब जो है बिस्तर वसा करके, और पता बता ये जो गद्दे हैं ना मेरे, अब मैंने लिए तो पता नहीं बैठ के नाप के नहीं है, पता नहीं क्या है ये, बैठे बैठे ना ये नीचे खसक जाते हैं या फिर इधर उधर हो जाते हैं, पूरे उसमें नहीं आते हैं। तो मुझे लग रहा है या तो उसका जो हमारे गद्दे हैं उनका साइज़ लंबा है और बैट्स छोटा है मेरे ख्याल से। तो बस अब जो है मैं डस्टिंग कर लूँगी और फिर अपना जो है आगे का काम कर। और बिस्तर लगाने के बाद मैं जो है खिड़कियाँ जो हैं उसके पल्ले साफ़ कर लूँगी, धूल मिट्टी में रहती हैं सामने से, मतलब खुला ग्राउंड है तो हवा चलती है तो गर्द आती है, खिड़कियों में जमा होती है और उससे घर में भी आ जाती है, क्योंकि आजकल गर्मी है खिड़कियाँ खोलनी पड़ती हैं। तो खिड़कियाँ मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से, और कोई ये कूलर है कूलर को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और बस अपना जो है जहाँ जहाँ रेस्टिंग करनी होती है वहाँ मैं सब सारे में रेस्टिंग कर लूँगी, और फ्रिज को भी मैं पूरे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और वैसे अंदर से फ्रिज मेरा गंदा हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं, और तो मैं सोच रही हूँ उसे एक दिन लगा के इसमें भी अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ेगी, इसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी अच्छे से। और बस अपना टीवी वगैरह जो कुछ है सब कुछ साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद जो है मैं फिर किचन का अपना स्लीप प्लेस साफ़ करने जाऊंगी। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि 1-2 मिनट वॉच करके आप चले जाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो रहा है, मैंने एडिटिंग करते हुए देखा है तो वीडियो लंबा हो रहा है, और मैंने बहुत कुछ काटा है इसमें, जितना काट सकती थी उतना काटा है। और ये जो मैंने एडिटिंग करी है, जो जो मैंने क्लिप डाली है, तो ये सब मेन थी तो मैंने डाली है, और इसमें बहुत कुछ कटिंग वटिंग कर दी है मैंने। तो प्लीज़ माइंड मच कीजिएगा, और वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, और जो सुबह के जो मैंने नाश्ता बनाया था वो कढ़ाई वढ़ाई सब मैं रखा था, तो मैं अलग सा खाली कर लूँगी बर्तन, और मतलब दूसरे बर्तन में रिता के, और वो बड़े बर्तन जो है उन्हें मैं धोने के लिए निकाल लूँगी। चूल्हा वाला गैस जो स्लेब है सब साफ़ कर लूँगी। और ये स्लेब जो है ना मेरा, आपको दिख रहा होगा कि ऐसा हो रहा है, टूटा फूटा हो रहा है। मैंने इसके ऊपर ना ये रेगजिन बिछाई थी, रेगजिन नहीं थी वो, ऐसे रेगजिन जैसे वो पतली पन्नी आती ना वो बिछा ली थी, मुझे रेगजिन का कुछ पता नहीं था कि वो भी बिछाते
रहते हैं, और ये बस बच्चों है ना किचन में खड़े रहते हैं तो चाकू वाकू मार के इन्होंने पन्नी फाड़ दी है, और जहाँ जहाँ फट रही थी मैंने वो सारी वहाँ से निकाल दी है, और आधी रह रही आधी मैंने निकाल दी है। अब मार्केट जाऊंगी तब लेकर आऊंगी। वैसे मैंने उन्हें बोला है कि ग्रेनाइट का जो पत्थर आता है स्लेब पे वो लगा दो, उससे सही रहता है कि अपना स्लेब साफ भी रहता है और क्लीन दिखता है, अच्छा दिखता है, और ये झंझट हट जाती है। रेगजीन बिछाओ पर नहीं बिछाओ, ये करो वो करो, वो झंझट ही हट जाती है। तो ये कह रहे हैं कि बस कुछ दिन रुक जा, फिर मैं इसके ऊपर ग्रेनाइट का पत्थर भी लगवा लेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने प्लास्टर करवाया है बाहर का, तो थोड़ा बजट तो होता ही है, आप भी समझ सकते हो लॉकडाउन का टाइम है, और ऐसे टाइम पर कुछ भी काम करवाना घर में महाभारत है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। गैस देखो, आप पेट्रोल देखो, कोई भी चीज़ देखो, राशन में हर चीज़ महंगी होगी, जो पहले हमें पहले दाम में मिलती थी अब उस दाम में हमें नहीं मिलती है वो चीज़। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बजट हमारा ठीक हो जाएगा फिर हम अपना ये किचन में, मुझे थोड़ा बहुत काम करवाना है तो वो करवाएंगे। और उधर का स्लेब मैंने जो है कपड़ा फेर दिया है, गीले कपड़े से साफ़ करा है, और बस इधर का करके, और फिर मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी, पोछा करूंगी, उसके बाद जो है मैं अपना बर्तन धोऊंगी। और गर्मी बहुत हो रही है, मैं पूरे पसीने में भीग गई थी, इतनी गर्मी हो रही थी। और बस कमरे में जा रही थी काम करने के लिए, रूम में तो वहाँ पंखा चला रही थी, पर ऐसा नहीं है कि किचन में भी पंखा है, पर वो सोचती हूँ ना कि कौन सा मुझे यहाँ पे खड़े ही रहना है, बस काम करना है और निकल जाना है, तो क्यों पंखा मैं चलाऊँ ये वो। तो मैंने किचन में नहीं चलाया पंखा, और ये मुझे ना डांटते रहते मेरे हस्बैंड, जब भी मैं किचन में रहती हूँ मैं पंखा नहीं चलाती हूँ, और मैं मतलब जब पसीना आता गर्मी लगती है ना तो वो डांटते हैं मुझे कि मैंने किचन में पंखा लगा रखा है लेकिन तू उसे यूज़ नहीं करती है। पर थोड़ा सा वो हो जाए ना कि फ़ैन चलाओ फिर गैस में उसकी आँच नहीं लगती है, टाइम लग जाता है, फिर मैंने कहा छोड़ पर है अपना, बाद में खा पी के मतलब बना उनों के सबको खिला के बाद में हवा में बैठ लेंगे। और बस यहाँ पे मेरा जो है झाड़ू लगभग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। बस अब झाड़ू पोछा जो है हो चुका है, अब मैं इसमें अपना चटाई वटाई बिछा लूँगी। और अनिकेत कह रहा था मम्मी आज काम आप कर रहे हो, मतलब ये है कि मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, पोछा लगाने में मुझे दिक्कत होती है, थोड़ा सा कमर में दर्द होता है, तो गुड्डो लगा देती है। आज गुड्डो कह रही थी कि मम्मी मैं कर देती हूँ, तो मैंने कहा नहीं आज तू रहने दे, आज मैं कर लूँगी अपना। और वैसे मेरी बेटी हेल्प करती है मेरी, और घर में जितने हैं सब हेल्प करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मिल बांट के काम कर लेते हैं, पर आज मैंने कहा चलो मैं पोछा लगा लेती हूँ तो खेल ले जाके। और बस यहाँ पे झाड़ू पोछा जो है मेरा हो गया है, ड्रेसिंग वाशिंग सब निपट चुकी है, और बस मैं फटाफट अपने नाश्ते के जो बर्तन हैं वो मैं धो रही हूँ। और नल इस टाइम बंद हो चुका था तो टैंकी के पानी से धोना पड़ता है, टैंकी का नल जो है ना उसमें पता नहीं पानी बहुत कम कम आता है, क्योंकि वो जो नल है वो ना गीज़र से अटैच हो रखा है, तो शायद उस वजह से अंदर वो जम गया होगा, कैल्शियम टाइप का कुछ जम जाता है। तो बस बर्तन हो गए हैं और अब मेरा काम जो है फाइनली मेरा काम पूरा निपट चुका है, और बस अब मैं नहा कर आ गई हूँ, और बस नहाने के बाद अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी और मैं फिर कुछ खाऊँगी, क्योंकि मुझे भूखू लग रही है, बहुत तेज़ से भूखू लग गई है मुझे। और
फाइनली मेरा काम निपट चुका है और मैं नहाकर आ गई हूँ। सारा काम निपटाने के बाद अब मुझे भूख लगी है बहुत तेज़, तो मैंने अपने लिए नाश्ता निकाल लिया है जिसमें मैंने बनाए थे चने की घुघरी बनाई थी और सूजी की खीर बनाई थी, क्योंकि मैंने उसमें डाला था दूध, पानी नहीं डाला तो खीर बनाई थी। और थोड़ी सी मैंने आधा कप अपने लिए चाय ली है और बस अब मैं खाऊँगी और आप भी खा लीजिए। और चने की घुघरी बहुत बहुत टेस्टी बनी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह से मैंने अपना मॉर्निंग से जो है वीडियो स्टार्ट कर दिया है, पर बात जो है मैं अब कर रही हूँ आपके साथ। तो मैंने सोचा चलो जो है वीडियो मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, अपना सारा जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सुबह से मैंने मॉर्निंग से लेके और दोपहर तक अब मैंने जो है अपना जो व्लॉग वीडियो जो भी मैं अपने घर का काम करती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और बीच में मैं आपसे बात नहीं कर पाई क्योंकि वो पता है क्या होता है, एक तो गर्मी, ऊपर से टाइम जा रहा होता है। क्योंकि जो लोग मेरी तरह व्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उन्हें पता है कि घर के काम के साथ साथ वीडियो शूट करना, व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि वीडियो मतलब शूट करते समय कैमरा सेटिंग करना, ट्राइपॉड करना, हर चीज़ देखना पड़ता है। हवाई जहाज़ जा रहा क्या गया? हाँ, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है, काम भी देखना पड़ता है। जहाँ एक घंटा पहले काम निपट जाता है वहीं एक घंटा लेट लगता है काम में। तो चलो फाइनली काम तो हो गया है, अब दोपहर का बचा है। कपड़े मैंने अभी धोए नहीं है, बस कपड़े मैं शाम की टाइम धोऊंगी। और लंच रह रहा है बनाना, बस अब लंच देखेंगे क्या बनाते हैं लंच में। और बस मैं नहाकर आ गई हूँ। मैंने कहा चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है ऑलरेडी वीडियो जो है लंबा हो चुका है। अभी देखूंगी एडिटिंग करते समय क्या करना है वीडियो का, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी देखते नहीं है, छोटा वीडियो रहता तो सही रहता है मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और बस बस एक रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। जितना लाइक आप करते हैं ना मुझे उतना मोटिवेशन मिलता है, और जितना हो सके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद बेल आइकन, जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरा बेटा बैठ के वहाँ पे मेरी नकल उतार रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो बैठ के वहाँ नकल उतार रहा है। और अगर उससे कहूँगी नहीं आके बैठ, जब वीडियो में आ जाए तो शर्म आती है, आजा बैठ जा, नहीं बैठ जा क्यों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय। और आज दिन है, आज दिन क्या है, मंडे, 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 हाँ मंडे है। मंडे की कौन सी तारीख है, 5, हाँ तो आज मंडे है और 5 जुलाई है और टाइम हो रहा है 11:30 बजे। बाय।